जय श्री कल्कि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कांप उठी धरती और हिल उठा आसमान, कल्कि की तैयारी से पूरा ब्रह्मांड परेशान। जी हाँ, हर तरफ से आज आपदाएं लगातार हमलावर हैं। आज इंसान चैन की सांस नहीं ले पा रहा है। कहीं पर आग लग गई है जंगलों में तो इंसान का सांस लेना मुश्किल। कहीं पर बर्फबारी ऐसी कि इंसानों का घर से बाहर निकलना हो रहा है मुश्किल। कहीं पर युद्ध की भयानक बमबारी जिसके चलते इंसान की मौतें। कब्रिस्तान भी भर रहे हैं लाशों की ढेर से। आज इंसान कहाँ जाए और कहाँ नहीं, बदलते हुए काल चक्र में एक से एक भयंकर घटनाएं लोगों को बहुत अधिक दुख दे रही हैं, कष्ट दे रही हैं। लेकिन आज इंसान लाख चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होते हुए अपनी आँखों के सामने देख रहा है। कहीं पर कांप उठी धरती, क्यों कहा मैंने? इसलिए क्योंकि हर जगह हर एक या दो दिन के बाद आप एक न एक भूकंप का कहीं न कहीं से समाचार आपको मिल ही जाता है। कभी जापान, कभी अपना देश, कभी इंडोनेशिया, कहीं पर सीरिया, कहीं पर कोई और कंट्री। लेकिन भूकंप का ये जो प्रहार चल रहा है, ऐसा लग रहा है मानो धरती माँ अब पूरी तरह से बिखरने के लिए तैयार खड़ी है। धरती माता अब भगवान कल्कि से गुहार लगा चुकी हैं, हे कल्कि मेरी रक्षा करो। जमीन के अंदर कुछ ऐसा धधक रहा है जो बाहर आने के लिए तैयार है। कब कहां से ज्वालामुखी फट जाए, कब सुनामी आ जाए और कितने इंसानों को अपने आगोश में ले ले, ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन अब जो अंत से नई शुरुआत की ओर इंसान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, युग परिवर्तन के इस माहौल में अब समझ में नहीं आ रहा है वो किस तरह से अपना बचाव करें। भगवान कल्कि ने एक के बाद एक संकेत दिए इंसानों को ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद अपने द्वारा कर सकें। लेकिन आने वाले समय में अब इंसान जहां अपने आप को लाचार पा रहा है प्रकृति के हमलों के सामने। कहीं पर जंगलों में आग इस कदर लग गई है कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी जहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, जहां पर इंसान के घर खुद ब खुद गिरते चले जा रहे हैं बारिश के कारण, भूकंप के कारण, और इंसान अपने सपनों के महल को ध्वस्त होता हुआ अपनी आँखों के सामने ही देख रहा है। हर इंसान आज पीड़ा में है। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सुकून भरी जिंदगी आज के समय में जी रहे हैं। बस केवल अब एक ही बात आपको बचा सकती है, हमको बचा सकती है, वो है नारायण की भक्ति, या यूँ कहिए हरिहर की भक्ति, यानी महादेव और श्री हरि की भक्ति। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिस किसी रूप में, लेकिन यदि सच्चे मन से आपने आराधना की है और आप एक प्योर सोल हैं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। भले ही 10 दिन एक आत्मा मलबे के नीचे दबी हुई हो, लेकिन 10 दिनों के पश्चात भी रेस्क्यू टीम आकर उसे रेस्क्यू करके लेकर चली जाएगी। लेकिन वही बात कि हर एक को अब ये जो महाभारत का युद्ध पार्ट 2, अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन उसकी नींव जो रखी जा रही है, जिसमें हर इंसान को अपनी लड़ाई ठीक उसी प्रकार लड़नी है जिस प्रकार की अर्जुन को श्री कृष्ण ने तैयार करवाया था महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध लड़ने के लिए। श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन की जगह खुद भी युद्ध लड़ सकते थे, लेकिन जो अर्जुन को ही उन्होंने तैयार किया कि नहीं, हे पार्थ, युद्ध तो तुम्हें ही लड़ना है।
उसी प्रकार आज कल्कि भगवान जमीनी स्तर पर अपने उन भक्तों को तैयार कर रहे हैं जिन्हें आने वाले समय में धरती पर महाभारत पार्ट 2 का युद्ध खुद लड़ना है, लेकिन उसके लिए उसकी तैयारी पहले से, उसकी शुरुआत जब अब हो गई है, तब कल्कि की तैयारी है कुछ इतनी भयंकर कि पूरा ब्रह्मांड भी जिसे देखकर आज हो गया है परेशान, क्योंकि एक तरफ से आग की लपटें, कहीं पर सुनामी, कहीं पर भूकंप के कारण धरती फट रही है, कहीं पर बाढ़ के कारण इमारतें गिर रही हैं, कहीं पर सामानों का नुकसान हो रहा है, गाड़ियां बही चली जा रही हैं, कहीं पर बर्ड फ्लू के कारण हाल बेहाल है, कहीं पर जानवर मर रहे हैं, कहीं पर पक्षियों के ऊपर संकट आ गया है, यानी जल थल अंबर सब तरफ से केवल और केवल संकट का ये जो समय है, ऐसा लग रहा है भगवान कल्कि ने अपनी तैयारी अब पूरी कर ली है, या यूँ कहिए कि अब और उनके पास महाभारत पार्ट 2 के लिए और एक्स्ट्रा अपने प्योर सोल्स को बचाने के लिए उन्हें क्या करना है, अब उसकी तैयारी वो कर रहे हैं। अन्यथा जिन असुरों का खात्मा होना है उनकी पटकथा उन्होंने ऑलरेडी लिखकर तैयार कर दी है, तो उनकी तैयारी महाभारत के युद्ध होने से ही पहले कुछ इतनी भयंकर हो रही है कि उसके कारण जो आपदाएं आज धरती वासियों को झेलनी पड़ रही हैं, जिसके कारण आज हर कोई हो गया है परेशान, हर कोई त्राही मम कर रहा है, कब कौन चीख पड़े, कब कहाँ की धरती हिल जाए, कब किसका सामान नुकसान हो जाए, कब कौन झूठ से परे सत्य को ना देख पाए। आज भी इंसान सत्य को नहीं जानना चाहता, सनातन की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो होना ही पड़ेगा, सनातन के सत्य को हर किसी को मानना ही पड़ेगा। आज भी लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आज भी लोग अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ बतला रहे हैं। आज जो तू मैं की लड़ाई है, आज उसमें इंसान भाषा पर कंट्रोल नहीं रख रहा है और अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ बतलाने के लिए दूसरे धर्मों का वो अनादर कर रहा है। भगवान कल्कि के सनातन में ये सारी व्यवस्था नहीं है। जब सतयुग का आगमन होगा उसके पहले तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि सतयुग में ना कोई गरीब ना कोई अमीर, बल्कि हर कोई इक्वल। आज भी भगवान कल्कि की नज़रों में हर इंसान एक समान है, हर जीव एक समान है, इंसान हो, पक्षी हो, जानवर हो, जीव जंतु, रेप्टाइल्स हो, जो भी हो, एक समान है। बस उनके सामने एक ही एजेंडा, आपके कर्म कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड। तो जैसे कर्म वैसा फल आने वाला समय सभी के साथ घटनाएं जो घटित होंगी इसी एजेंडा के ऊपर होंगी कि किस प्रकार के इंसान ने कर्म किए, अब उसके पेंडिंग कर्मास कितने हैं बाकी बचे हुए, और अब पाप और पुण्य के चलते उसका अभी कितना पुण्य का खाता भरना बाकी है, या पाप का खाता अभी और कितना भरना बाकी है। यानी पुण्य का खाता अगर ज़्यादा है, पाप का खाता कम, तो इंसान पुण्यवान आत्माओं में काउंट कर लिए जाएंगे, लेकिन उनके पाप का तो उनको भुगतान करना ही पड़ेगा। तो यही जो समय है, अब एक तरफ आर पार की लड़ाई, दूसरी तरफ धर्म के रास्ते पर चलना ही है, केवल और केवल सनातन के रास्ते पर हर एक को चलना है, लेकिन कौन कितना चल पाता है और कौन नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भगवान कल्कि द्वारा ले जा रही अग्नि परीक्षा में अब हर इंसान हो रहा है शामिल, क्या पता कब किसका अगला नंबर हो जाए। इसलिए रहिए सावधान, क्योंकि अग्नि परीक्षा आसान नहीं होती। सीता मैया को भी देनी पड़ी थी जब अग्नि परीक्षा, भगवान रामचंद्र जी भी 14 वर्षों तक काटे थे जेल, भगवान श्री कृष्ण को भी जन्म के पश्चात
अपने माता पिता से दूर जाना पड़ा था तो इंसानों की क्या बसात। भगवान कल्कि पूरी तरह से है तैयार, लेकिन उनकी तैयारी है इतनी भयंकर और उसका प्रभाव हो रहा है इस कदर चारों ओर, लग रहा है कुछ घमासान हो रहा है, कुछ अलग तरह से बदलाव प्रकृति में हो रहे हैं जिसका निपटारा करने के हालात में आज का इंसान नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।